We are. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज बहुत ही प्यारा मौसम है और ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो गई है और आज मेरा लास्ट पेपर है और यूनिवर्सिटी में लास्ट डे होगा आज, तो पेपर की तैयारी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है बस। तो अब यूनिवर्सिटी चलते हैं और वहाँ जाके पेपर देते हैं, उसके बाद फिर आपको हम यूनिवर्सिटी भी दिखाएंगे अपनी। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे होता है क्या। हमने पेपर दे चुके हैं, अब पेपर तो हमारा इतना अच्छा नहीं हुआ, मेरा तो खसूसन अच्छा। आज हमारा आखिरी पेपर था पेट्रोकेमिकल का, अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। पहले कॉमसेट में सेशनल वन और सेशनल टू होते थे, तो अब मिड्स और फाइनल होते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को जो है एग्ज़ाम कम देने पड़ते हैं, पेपर्स जो हैं कम, क्योंकि असाइनमेंट क्विज़ की भरमार होती है। तो ये से हम जो हैं बच चुके हैं, मिड्स और फाइनल कॉमसेट में आप होते हैं। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये डी ब्लॉक है, यहाँ से हमारी बहुत ही यादें बसता हैं। यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा क्लासेस हमारी डी ब्लॉक में हुई हैं, D117, D9, D10, तो हमारा बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पर। यहाँ पर फ़ायदा डी ब्लॉक का है कि गर्मियों में यहाँ पर AC जो है यहाँ पर फुल स्पीड से चलते हैं, तो इसका हमें बड़ा बेनिफिट है। सामने आप कूलर देख रहे हैं, यहाँ से हम पानी भरते थे, पानी पीते थे यहाँ से। तो ये बड़ी यहाँ से हमारी एक एक जो है ये जगह जो है ये हमारी इनसे यादें वाबस्ता हैं। और ये जो आप शेड्स देख रहे हैं, ये शेड्स का बड़ा फ़ायदा है हमें जो गर्मियों में असूसन धूप के वक्त और बारिशों के वक्त हमें बड़ा फ़ायदा यहाँ से फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और हमारी लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे ये ग्राउंड्स हैं, हम कभी यहाँ पे बैठते थे पढ़ने के लिए हैर शुगल मेला लगाने के लिए बैठते थे हम। तो ये जो आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, यहाँ पर H ब्लॉक है, पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन होती थी यहाँ पे। जब हम स्टार्टिंग में जब हम यूनिवर्सिटी में जब आए थे एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर एडमिशन ऑफिस होता था H ब्लॉक, लेकिन अब यहाँ पर जो है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है कॉमसेट का, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर फैकल्टी डिपार्टमेंट है CS का, जहाँ पे जो है टीचर्स बैठते हैं CS डिपार्टमेंट के। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा CS का डिपार्टमेंट है, ये मेरी राइट साइड पे आप देख रहे हैं CS का बहुत ही खूबसूरत डिपार्टमेंट है। आप कॉमसेट आएँ तो लाजमी इसका विज़िट करें। और ये जो है सामने आप देख सकते हैं कि HPL है, HPL ATM के लिए मशीन, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कम पैसे रखते हैं अपने पास, तो हमें भी जब ज़रूरत होती थी तो हम ATM का यहाँ पे इस्तेमाल करते थे, बहुत इस्तेमाल है ATM का। चलिए सामने जो आप जो देखें, जब हम इधर एडमिशन के लिए आए थे तो ये कैफेटेरिया होता था, लेकिन अब कैफेटेरिया माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। कभी इंशाल्लाह विज़िट मैंने किया कॉमसेट का तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। पहले ये सामने जो था ये हमारा कैफेटेरिया होता था, लेकिन अब यहाँ पे IT के जो हैं यहाँ पर जो काम वगैरह यहाँ पर लोग करते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, आप 12 यहाँ से शुरू हो जाएगी, आगाज़ हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये CS का, ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं CS का डिपार्टमेंट है, लेफ़्ट साइड पे आप जाएंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होगा। तो ये इसे हम C ब्लॉक भी कहते हैं, ये C ब्लॉक भी है, और ये क्योंकि CS का है तो ये C ब्लॉक नाम दे दिया। ये बहुत ही अच्छे हैं हमारे दोस्त हैं ये गार्ड, जो हमें बड़े ही हेल्पफुल साबित होते हैं, क्योंकि जो ये गार्ड तबका होता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लोग होते हैं, ये बहुत इनका दिल जो है खूबसूरत होता है। ये मुल्तान शरीफ से हैं ये भाई। और जो है हम आगे हम चलें तो ये 12 की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आना कम ही होता था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है आगे, फिज़िक्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हमारी कभी क्लासेस नहीं हुई। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आगे आएगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की और जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की क्लासेस हैं, डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और आगे आप जाएंगे तो फिज़िक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो कॉमसेट में जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, कॉमसेट का नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो ये आपको किसी दिन दिखाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। काफ़ी मेरे यहाँ पे दोस्त भी जानने वाले हैं और वो काफ़ी अच्छा, इस दफ़ा उन्होंने FAP भी किया है। आगे चलें तो आगे ये जो है यहाँ से 12 शुरू हो रही है, और ये मेरी राइट साइड पे आप देखें तो
तो यहाँ पर एडमिन ब्लॉक होगा जहाँ पे डायरेक्टर साहब बैठते हैं, ठीक है। सामने जो है ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, और ये जो है ये यहाँ पर इवेंट्स भी होते हैं, यहाँ पर काफ़ी इस जगह पर सेमिनार्स भी होते हैं। वैसे सेमिनार ब्लॉक ए ब्लॉक में भी एक सेमिनार रूम है कॉमसेट का, तो वो भी देखने से ताल्लुक रख। ये है जी कॉमसेट की बारादरी। कॉमसेट में कोई भी इवेंट हो तो यहाँ पे ग्रुप फ़ोटो लाजमी बनाई जाती है, और ये कॉमसेट की शान है। ये जगह मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर तस्वीरें भी बहुत अच्छी आती हैं और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। अगर आप कॉमसेट में आएँ तो यहाँ पर तस्वीर लाजमी बनाएँ। मैंने देखा यहाँ पर हमारे जैसा ग्रेजुएट्स का जो बैच है वो यहाँ पर आया है ग्रुप फ़ोटो बनाने के लिए, और ये कॉमसेट लाहौर के BScS के ग्रेजुएट्स हैं फॉल 18 के। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, और ये कॉमसेट के जगमगाते सितारे हैं, और अल्लाह पाक इन्हें कॉमसेट के लिए बाइस फ़ख्र बनाएं। और आपको पता है कि कॉमसेट का जो CS का बैच है वो पाकिस्तान में पहले नंबर पर आता है। और अच्छा, मुझे कॉमसेट की बहुत अच्छी जो बात लगती है कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। मैं तो इसे भाई ग्रीन कैंपस कहूँगा। ये देखें, हर जगह हरियाली है, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, देखें ज़बरदस्त लोकेशन है ये। मैं आपको मिलवाता हूँ अपने बैच से, कुछ मेमरीज आपसे शेयर करते हैं। वी आर कॉमसियंस। कैसा लग रहा है गाइस आपको, ग्रेजुएशन होके कैसा लग रहा है आपको? मतलब इनका कहना है कि हमें ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है। अच्छा, मैं कहूँगा वही आर, आप कहना केमिकल इंजीनियर्स और वही आर अब मैं आपके साथ अपने दोस्तों के रिव्यूज शेयर करना चाहूँगा कॉमसेट के बारे में। तो आप ये लाजमी सो रहे हैं, ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अमलीद साहब, असगर एंड देन अहमद, और ये हमारे उस्मान साहब जो हमारे रूममेट भी रहे हैं। तो आप सब क्या कहना चाहते हैं कि आप सारे ग्रेजुएट हो रहे हैं, केमिकल इंजीनियर्स, बताएं उस्मान साहब इसके बारे में। यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम ग्रेजुएट हो गए सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है, और हमारे वालदैन की दुआएं हैं जिनका नतीजा, जिनकी वजह से ऐसे लोग भी ग्रेजुएट हो गए हैं, नहीं तो कोई कोई हमारा यकीन करे कोई चांस नहीं था ग्रेजुएट होने का, बस उनकी दुआओं का नतीजा है। और हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो पढ़ा, मोबाइल वाले सामने आए जरा, ये ध्यान है यार सामने, ये बूटी मास्टर, अल्लाह माफ करे। गाइस देखे, मेरे जैसा शरीफ आदमी कभी फोन या ऐसी बूटी वगैरह चीजें नहीं इस्तेमाल, सिर्फ पैरों के नीचे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। पट्टों के नीचे रखते हैं मोबाइल। आप कौन सा, आपके कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? नहायत ही शफीफाना अंदाज से मैं कहना चाहूंगा कि ये मेरे हजरात जिन्होंने मुझे असाइनमेंट सेंड की, गलत की लेकिन की, वो उनका बहुत शुक्रिया। जीपीए मेरा उठ गया ऑनलाइन में, गलत असाइनमेंट से कैसे उठ गया, वो सही थी। आज आपकी जान छूट रही है असाइनमेंट से, कोई सब चीजों से जान छूट रही है। और मैं दुआ करना चाहूंगा कि बायोकेमिकल का जो पेपर हुआ उसमें अज़ला के थ्रू हमें कोई अच्छे मार्क्स मिल जाए, ताकि इंशाल्लाह ये आपकी आवाज जो है डॉक्टर यासिन तक पहुंचाई जाएगी कि इस बैच को जो है आप पास कर दें पेपर में बायोकेमिकल में। इंशाल्लाह सर को जाकर रिक्वेस्ट की जाती है। थैंक्स, हमारे डिपार्टमेंट का वाहद बंदा है जिसने ये शर्ट पहनी है और लोगों से वो साइन करवा रहा है। मतलब ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? लोग चले जाते हैं लेकिन यादें रह जाती हैं, और मैं यादें साथ रखना चाहता हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आज हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये भी दिन दिखाया, पर सबके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, पर अल्लाह पाक हर एक को कामयाब करे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हर एक ने बड़ी मेहनत की है, और जितनी जितनी मेहनत की अल्लाह पाक उसको फल हर एक को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, बस टाइम की बात है, और फिर टाइम से अल्लाह पाक। मैं स्पेशल इमरान भाई को इस व्लॉग में लाना चाहता हूँ, ये बहुत ही हेल्पफुल बंदे हैं, ये 4 साल में उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो इमरान भाई, आपके 4 साल कैसे गुजरे, आप इसको कैसे बयान करना चाहते हैं? जज़ाक अल्लाह, सबसे पहले तो बास भाई हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है कि आप हमें इज्जत देते हैं, आपने हमें इज्जत दी, हमने आपको इज्जत दी, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है,
अल्लाह ताला हम सबको आइंदा भी कामयाब करे, और ये वक्त जो है हमेशा याद आएगा, ये याद आने वाला ये मेमोरेबल टाइम है जो कि हमेशा याद आएगा। तो कॉमसेट ने आपको क्या सिखाया, आप हमें बताएं भले। कॉमसेट इदारा आपको कुछ नहीं सिखाता, आप इदारे में आते हैं सीखने के लिए। अगर आपके अंदर सीखने की चाह है तो आप किसी भी इदारे से कुछ भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, आपने अच्छी बात की। आप सबसे ज़्यादा आपको कौन सी अच्छी बात लगी कॉमसेट की जो आप शेयर करना चाहते हैं? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि जो यहाँ पर टीचर्स हैं वो बच्चों को फ्री हैंड नहीं देते किसी भी तरह का, यानी कि आप इंजॉय कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट रखा हुआ है ताकि आप लोग पढ़ें कुछ सीखें, ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो आज हमारी असाइनमेंट क्विजीज प्रेजेंटेशन सबसे जान छूट रही है, तो हम आज दानिश भाई हमारे साथ कुछ कॉमसेट की यादें शेयर करेंगे कि इन्होंने कॉमसेट से क्या सीखा और कॉमसेट ने क्या आउटपुट दी है बताएं। कॉमसेट मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, नो डाउट के काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी भी आई है, और मैं कहूँगा डिग्री भी दी है, एक्सपीरियंस भी दिया है, और यूनिवर्सिटी बहुत कुछ सिखा भी देती है। सही, तो बाकी ये है कि बस अल्लाह खैर करे ऑनवर्ड। तो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैसे है, आप किसी को रेफर करेंगे यहाँ पे आने के लिए? अगर अब्रॉड बात करूँगा तो मुझे अपना डिपार्टमेंट देखिए बहुत अच्छा लगा। सही, तो मीन के मैंने बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स भी देखे हैं, उनके टीचर्स के साथ मैंने बच्चों का मतलब देखा है कि मैं इतना सुनता हूँ बच्चों की शिकायतें भी कि यार ये इशू हो गया टीचर्स के साथ, और टीचर मान नहीं रहा, तो मैं कहूँगा मेरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है हर लिहाज से, उन्होंने हमें हमारे साथ हमारा साथ दिया। सही, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आज हमारी जान छुट गई है क्विज असाइनमेंट से और सारे पेपरों से, और आज हम आजाद हैं बिल्कुल। क्विज इसका क्या इम्तिहान है, वैसे जिंदगी का इम्तिहान ही है। सही, तो बस अल्लाह कामयाब करे। सही, और अपने रास्ते पे रखे। थैंक्स। और ये पॉल साहब जो पहले हम इनसे बात कर चुके हैं, अल्लाह हाफिज़। ये है जी कॉमसेट लाहौर कैंपस की मेन लाइब्रेरी जहाँ पे हम बैठ के पढ़ते थे, और आप आगे मेरी राइट साइड पे देख रहे होंगे ये बेंचेस लगे हुए हैं, जब मौसम हसीन होता है तो कॉमसेट के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बैठ के इंजॉय करते हैं, मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं। और आगे आप मेरी राइट साइड पे देख रहे हो तो ये हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट है कॉमसेट का। कॉमसेट ने BS फार्मेसी जो है 2-3 साल पहले इसका आगाज़ किया। अपने फार्मेसी करनी हो तो कॉमसेट बेस्ट प्लेस है। ये है जी कॉमसेट लाहौर का केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जहाँ से हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, और ये जो है इसकी सबसे अच्छी बात जो है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वो ये है कि यहाँ के टीचर बहुत सपोर्टिव हैं, अगर हम किसी भी टाइम इनके पास चले जाएँ तो हमें लाजमी जो हमारी मदद करेंगे। और आप सामने देख रहे हैं ये स्टोर है और ये वॉशरूम्स हैं यहाँ पे। हम अब जाते हैं बैक साइड पे केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, शायद वो जो हमारा जो है कैंपस की ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शायद ओपन हो इस टाइम। तो सामने ये पावर लैब अब बन चुकी है, पहले यहाँ स्टोर होता था, और सामने आप देख रहे होंगे केब लॉक है। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारी यहाँ पर क्लासेज होती थी, अब यहाँ पर लैब्स बन चुकी हैं। और अब ये जो हमारा बैक साइड पे दरवाज़ा केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो है ओपन है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ लैब्स हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट में, क्लासेस जो हमारी हैं वो डी ब्लॉक में होती हैं। और आप सामने देख रहे होंगे ये डिफरेंट ऑफिसेज हैं टीचर्स के, और ये बहुत ही हमारा जो है डिपार्टमेंट खूबसूरत है। और ये जो कॉमसेट की लैब्स जो हैं यहाँ पर, सबसे प्यारी बात इसकी ये है कि यहाँ पर इक्विपमेंट्स पूरे होते हैं और यहाँ पे हमारे पास केमिकल्स अवेलेबल हैं। 6 बज चुके हैं, अब हम वापस जा रहे हैं और अलविदा कह रहे हैं कॉमसेट को। हाँ जी शजीर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, आज ग्रेजुएट हो रहे हैं कॉमसेट से, क्या आपकी फीलिंग्स हैं? बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है मुझे, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और आपको कॉमसेट ने कैसा दिया आपको? बस दे दिया इन्होंने। अच्छा, और आगे क्या प्लान्स हैं आपके? देखते हैं अल्लाह जहाँ ले गया। चलिए अच्छी बात, अल्लाह आपको कामयाब करे एंड बेस्ट ऑफ लक। गाइज अजान का टाइम भी हो चुका है और हमने आज बहुत अच्छा दिन गुजारा और व्लॉगिंग भी की मैंने, और साथ हमारे ग्रुप जो हमारा बैच था हमने तस्वीरें ली। तो अब मैं बाइक अपनी तलाश कर रहा हूँ क्योंकि बाइक हर दफ़ा ना मैं भूल जाता हूँ कहाँ बाइक रखी हुई है। तो बाइक देख के अब हम जा रहे हैं वापस, तो इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में बात होगी। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।